साहसी जिलाधिकारी राकेश कुमार सोनो प्रखंड के लाली लिवाड़ और छोट नारिया पंचायत के मरियम पहाड़ी समेत कई नक्सल प्रभावित गांवों का भ्रमण किया और वहां विद्यालय आंगनबाड़ी केंद्र आदि का भी निरीक्षण किया और ग्रामीणों की कई समस्याओं को जाना। उन्होंने मौके पर उन्हें इन ज्वलन समस्याओं का विधि सम्मत ढंग से समाधान किए जाने का भरोसा दिलाया। डीएम को देखकर ग्रामीण मुदित नजर आए। अंकित करने वाली बात यह है कि नक्सल प्रभावित जमुआ जिला का कुछ इलाका ऐसा है जहां नक्सलियों की काफी गढ़ मानी जाती है। उन्हीं में से एक है मरियम पहाड़ी। एक लंबे अरसे बाद जिले के अंतिम छोर पर बसे इस सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित गांव में जिला प्रशासन खुद चलकर पहुंचा। वहां नक्सलियों की दहशत इतनी है कि विकास के कार्यों को गति देना अंदरूनी इलाकों में प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इसके बावजूद जिला कलेक्टर राकेश कुमार अपनी टीम के साथ वहां पहुंचकर ग्रामीणों से रूबरू हैं। वे अपने दौरे के इस क्रम में कई गांवों के लोगों से सीधा संवाद किया, साथ ही उनकी परेशानियों को जाना और उन्हें इसके निदान के लिए भरोसा दिलाया। ग्रामीणों की मांग और जरूरतों के अनुरूप राशन कार्ड, आवास, पेयजल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने का ऐलान किया। उन्होंने मौके पर हार कपाने वाली ठंड के मद्देनजर वृद्ध एवं लाचार व्यक्तियों के बीच कंबल का वितरण किया। डीएम के द्वारा कंबल वितरण किए जाने से ग्रामीण बेहद खुश नजर आए। उन्होंने मौके पर कई ग्रामीण महिलाओं को समूह में जमुई आकर उनसे मिलने का भी न्योता दिया। महिलाएं डीएम के माननीय मानवीय मूल्यों को देखकर प्रशंसा से सरोबोर हो गई। एसडीएम अभय कुमार तिवारी, सिविल सर्जन डॉक्टर कुमार महेंद्र प्रताप, जिला सूचना एवं संपर्क अधिकारी आर के दीपक, प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद मोइनुद्दीन, प्रखंड खाद आपूर्ति पदाधिकारी लक्ष्मीकांत कुमार, अंचल अधिकारी राजेश कुमार के अलावे जिला स्तर के अधिकांश अधिकारी मौके पर उपस्थित थे।